तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होगा। मैं आपका भाई अरन फिर से नए ब्लॉग के साथ। आज को अभी मैं आरकेएस मोर के बगल में हूँ और यहाँ का देख सकते हैं मेट्रो का कुछ अपडेट देने आया हूँ। एक दीपक भाई का रिक्वेस्ट था, मतलब सॉरी डिमांड था उनका, तो उन्हीं का डिमांड आज पूरा होगा। अगर आप लोग का भी कोई डिमांड हो तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। तो चलिए, छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आगे जो साइड आप लोग देख रहे हैं, सरिया वरिया बांधा गया, और पहले भी वीडियो में आप लोग दिखा चुका हूँ, जो बेस वगैरह यहाँ का कंप्लीट हो चुका है और अभी सरिया वरिया बांधा गया है, सिर्फ पिलर का काम यहाँ पे चल रहा है और ढांचा भी तैयार कर लिया गया है पूरा, और एक दो तीन चार पिलर में चल रहा है, और आगे का पिलर में देखिएगा तो पूरा ढांचा तैयार कर लिया गया है ढालने के लिए, और इसमें भी सरिया वरिया बांध कर इसको चारों तरफ से बांधा गया है, और यहाँ भी देख सकते हैं, और इसमें अभी मटेरियल डाला जाएगा जो कंक्रीट वगैरह है उसको डाला जाएगा, इसको डाल के देख सकते हैं। इंजीनियर लोग भी ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ भी कुछ मशीन लगा हुई है जो जिससे कंक्रीट भी ऊपर ले जाया जाता है, और इसको ढाल लिया गया है, इस पिलर को आप लोग देख सकते हैं, पिलर को ढाल दिया गया है और इसको बोरा वोरा लपेट के पानी उनी दिया जा रहा है, और आगे भी आपको एक बड़ा वाला क्रेन दिखेगा जिसपे लगभग छेद किया जा रहा है जमीन के अंदर पिलर बनाने के लिए, और यहाँ पे एलिवेटेड रोड बनेगा पूरा दानापुर से, दानापुर ट्रेन से लेकर एक जो पुल आता है पाटलिपुत्रा पुल तक एलिवेटेड रोड बनेगा, उसके बाद आप लोगों को अंडरग्राउंड पासिंग वाला दिखेगा मेट्रो का, अंडरग्राउंड का काम उसका मैप देख सकते हैं, और यहाँ का भी देख सकते हैं एक काम चल रहा है, और इधर में भी इंजीनियर लोग लगे हुए हैं, यहाँ आगे का कुछ काम नहीं दिख रहा है, सगना मोड़ के जस्ट आगे हम लोग बढ़ रहा और कुछ ही समय में हम लोग सगना मोड़ पहुंचने वाले हैं, और यहाँ देख सकते हैं कुछ पिलरिंग का काम नहीं चल रहा है, सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया, मतलब सॉइल टेस्टिंग का काम पिलर हो चुका है। तो चलिए आगे का भी व्यू दिखाते हैं, और यहाँ अंदर में कुछ कुछ काम हो रहा होगा बट अंदर में अलाव नहीं करते इंजीनियर लोग वीडियो बनाने के लिए, अंदर में रुक कर आप लोग को नहीं दिखा सकते क्योंकि इंजीनियर लोग अलाव नहीं करते हैं वीडियो मतलब बनाने के लिए आता था। आप लोग इस साइड में देख सकते हैं डिवाइडर वगैरह सारा का तोड़ दिया गया और तोड़ कर उसी के बीच में काम किया जा रहा है। अभी हम लोग संगम और के साइड में चलते हैं और चल के देखते हैं वहाँ में क्या अपडेट हो रहा है, वहाँ पर क्या काम हो रहा है। जैसे संगम मोड़ जो गोलम्बर है उसको भी घेर दिया गया पूरा बोर्ड लगा कर, उसके अंदर क्या काम चल रहा है इसके बारे में हमें भी नहीं पता है। ये आप लोग देख सकते हैं सगना मोड़ है, और सगना मोड़ को भी पूरा घेर दिया गया आप लोग देख सकते हैं, और अंदर में जेसीबी मशीन और कुछ इंजीनियर को रहने वगैरह के लिए जगह बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं पटना मेट्रो का काम का बोर्ड लगा हुआ है। अब आप लोग जल्दी पटना मेट्रो में सवारी कर सकते हैं क्योंकि अब बहुत ही जल्दी, क्योंकि 0 माइल की तरफ जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ का एलिवेटेड रोड है जो कम्प्लीट हो चुका है, और इधर इस साइड में आप लोग चले जाइएगा तो आप लोग को दानापुर केन की साइड चले जाइएगा, और इस साइड से भी हम लोग चलते हैं आगे के अपडेट दिखाते हैं हम कि आगे में क्या काम हो रहा है। और यहाँ का आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक, यहाँ का आप लोग ट्रैफिक देख सकते हैं सगना मोड़ गोलम्बर का चारों तरफ आप लोग ट्रैफिक देखा, शायद से मेट्रो आ जाएगा पटना में तो इतना ट्रैफिक नहीं लगेगा, बहुत लोग को जाना रहता है बाहर भी, वो लोग डायरेक्ट मेट्रो पकड़ के निकल जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मेट्रो का काम अब जल्दी कब तक कंप्लीट हो जाएगा।
आप लोग मैप भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एलिवेटेड रोड बन रहा है और कहाँ कहाँ अंडरग्राउंड का काम चल रहा है। जो ब्लू प्रिंट है वो अंडरग्राउंड का काम उसमें चल रहा है और जो रेड प्रिंट है जो रेड लाइन है उसमें एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं मैप में अच्छे अच्छे तरीके से लिखा गया है कि कहाँ पे एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है और कहाँ पे अंडरग्राउंड का काम चल रहा है और आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं सपना वाले मोड़ के ऊपर ही। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें और भी कोई डिमांड हो तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से आप लोग।